आई एम टेकिंग दिस बॉय राइट हियर फॉर हिज ग्रूमिंग. और लक्की का सूट अभी आया है दिवाली के बाद, जो कि इसने दिवाली से पहले ऑर्डर किया था. लक्की इसको कहते हैं किस्मत. लक्की इज सो अनलक्की नाउ डेज. एंड आई चेंज इन टू पैंट, क्योंकि शॉर्ट्स में अगर इसको कहीं लेके जाता है तो स्क्रैच कर करके पैर पे निशान कर देता है, पूरे पैर पे निशान कर देता है. व्हाट इज रॉन्ग विद मी. चलो ट्राई ट्राई. हाँ जी हाँ जी. एक और ट्राई ट्राई बेबी. मैंने जिनी को ग्रूमिंग के लिए छोड़ दिया और अभी मैं जा रही हूँ कॉफ़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे को कॉफ़ी का क्रेविंग हो रहा है. तो सुबह से एक भी अच्छी कॉफ़ी नहीं पी और जिनी की ग्रूमिंग में लगेगा टाइम. सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ वेटिंग देयर आई शुड गो आउट एंड फाइंड समथिंग. Okay, so I am going out with this woman to get her nails done, and she is waiting for me to film this video. Then we'll go out, and she is wearing that pajama. I asked her to change this pajama, or else I'm gonna show this in my vlog, and she's gonna feel bad about it later. But मम्मी मैं सच में इसको डालूंगी वीडियो में. ओके वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू गाइस. आपको भी ऐसा लगता है क्या कि आपकी एज बढ़ रही है तो आपके कपड़े भी बदलने चाहिए? मतलब इस ड्रेस में मुझे ऐसा लगता है जो मैं 20 साल की मैं थी वो खुश होती थी इसको पहन के. अभी जो मैं 25 साल की मैं हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं पहनना चाहिए, बहुत बच्चों जैसा ड्रेस है. बट मैं पहनती हूँ क्योंकि मैंने पैसा खर्चा किया था इसके ऊपर और अभी इसकी क्वालिटी अच्छी है. Hi guys, so I don't know which day it is, but मैं घर पे थोड़ी सी बिजी थी लाइफ में, थोड़ी सी बिजी कुछ नहीं थी, बस थोड़ी सी लेजी हो गई थी घर पे. और I was about to film a video today, which is पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, दुनिया वाले इतना हॉर्न क्यों बजाते हैं. तब की वेट कर लेना चाहिए, थोड़ा सामने वाले चला जाएगा, आपको भी रास्ता मिल जाएगा. पर ठीक है. ओके सो आई वॉज अबाउट टू फिल्म अ वीडियो विच इज ट्राइंग एवरीथिंग स्टारबक्स हैज लॉन्च्ड अभी रिसेंटली, मतलब एवरीथिंग न्यू इन स्टारबक्स. बट आई कांट बिकॉज लक्की इज गोइंग कॉलेज एंड आई वॉन्ट बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग, सो आई डोंट वॉन्ट वेस्ट मनी. एंड अभी आई एम गोइंग कॉलेज टू गेट माई माइग्रेशन एंड अप्लाई फॉर रेचल्स माइग्रेशन टू. देन उसके बाद आई हैव टू कम बैक होम, क्योंकि जिन्हें इतना क्यूट लग रहा था ना अभी, जैसे हम लोग तैयार हुए ना बाहर जाने के लिए, ही वॉज लाइक रेडी टू गो आउट विद अस. एंड समहाउ ही अंडरस्टैंड कि हम लोग कब बाहर जा रहे हैं कब नहीं बाहर जा रहे हैं. मतलब जैसे हम लोग थोड़ा सा तैयार होना शुरू करते हैं, मुझे भी उसको ऐसा पता है कि तब तक हम अपने शॉर्ट्स में, तब तक हम घर में ही रहेंगे, उसके बाद हम बाहर जाएंगे चाहे कुछ भी हो. इवन यस्टरडे मेरे को नीचे एक ऑर्डर रिसीव करने जाना था, तो आई वोर पजामा ओवर माई शॉर्ट्स. ही न्यू मैं बाहर जा रही हूँ, गेट पे जाके खड़ा हो गया. पता नहीं उस कुत्ते को बाहर जाने का इतना शौक है, क्या बताऊँ. ओके सो आई एम गोइंग कॉलेज. उसके बाद आई थिंक आई विल बी गोइंग टू ट्राई कोरियन प्लेस, जहाँ पे लकी ने मुझको बताया कि नया नया मेन्यू लॉन्च हुआ है उनका, बहुत सारी चीजें नई नई आई हैं. आई एम गोइंग देयर टुडे, सो वी सी, वी मीट यू गाइस लेटर. आई विल मीट यू गाइस लेटर, बाय.
सो आई एम डन विद माय वर्क. लाइक आई हैव कलेक्टेड माय मार्कशीट, गॉट सिग्नेचर फ्रॉम माय टीचर्स एंड एवरीथिंग, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस कोरियन प्लेस. एंड वन मोर थिंग आई रियलाइज टुडे इज कि हम लोग तब यंग होते हैं, अपने कॉलेज को हम दूसरे कॉलेज से कंपेयर करते हैं और अपने कॉलेज को मतलब अच्छा नहीं समझते. दैट्स व्हाट आई रियलाइज बिकॉज वी यूज टू कंप्लेन अलॉट अबाउट आवर कॉलेज, बट नाउ आई हैव रियलाइज दे ट्राई देयर बेस्ट टू हेल्प अस इन एवरी विच वे दे कैन. बिकॉज आज तब मैं कॉलेज में गई, सब कुछ इतना स्मूथली हो गया, द वे दे गाइड यू, इट्स अमेजिंग.